तो भाई आपने थंबनेल देख के ये वीडियो देखना शुरू कर दिया ना, इसका ये मतलब है ना कि आप फैशन में डीप डाउन इंटरेस्टेड हैं या डीप डाउन इन्वॉल्व हैं या इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में ज़्यादा बकवास नहीं, यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं एक कॉर्डुरॉय शर्ट जो ओलिव ग्रीन में है, ठीक है। ब्रांड भी अच्छा है और मटेरियल भी सुपर है, सब कुछ आपको दिखा के जाऊंगा, क्वालिटी को बात से दिखाएंगे, मेजरमेंट लेंगे कौन सा आपको फिट आएगा सब बताएंगे। तो चैनल पर पहली बार विजिट किया है ना, आपकी गर्लफ्रेंड की कसम है सब्सक्राइब मारो, या सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया ना तो पक्का सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना भूल क्यों जाते, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, तो जाकर पक्का सब्सक्राइब करना। तो चलिए फटाक से इसको अनबॉक्स करते, पास से दिखाते, फिर डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। तो भाई लोग अगर आप हमारे वीडियो में रेगुलर होंगे ना, सबको पता होगा हमने एक पीछे कॉर्डुरॉय ना पैंट की अनबॉक्सिंग की थी, और आज बारी है ना शर्ट की, ठीक है। एक कॉर्डुरॉय शर्ट भी हम लोग आज अनबॉक्स करेंगे। धीरे धीरे वार्डरोब में आपके सब कुछ होने चाहिए अगर आप फैशन में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे कॉर्डुरॉय शर्ट है ना, पहले फर्स्ट लुक में मैं बता दूँ ना कि मटेरियल काफ़ी हेवी है भाई, काफ़ी वजन है इसमें, और ठीक है यहाँ पे एक छोटी सी पन्नी मिल जाती है अपने को, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। और स्निच ब्रांड है, यहाँ पे आप टैग वैग पे देख लेंगे ना, स्निच ब्रांड है, ठीक है। और यहाँ पे बटन्स अपने को प्रोवाइडेड है, वो मेटल वाले बटन्स है, गुड क्वालिटी के बटन्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ओलिव कलर में है जो ग्रीन है सेज ग्रीन, और यहाँ पे आप देख सकते हो रिजेज अपने को पूरे मिलते हैं, पूरा एक फील है रिजेज वाली। यहाँ पे अंदर की तरफ से आप देख सकते हैं हल्का स्मूथ है लेकिन टेक्सचरस सा फील है ना। मटेरियल यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मटेरियल जो है ना 100% पॉलिएस्टर है, ओबियस है पॉलिएस्टर होगा तब भी ये फील आएगी थोड़ा सा। और एक बार बता दूँ ना, ये प्योर कॉर्डुरॉय टाइप का फील दे रहा है, वो जो अपना वेलवेट टाइप का फील है ना वो इसमें नहीं है। मैंने वेलवेट शर्ट पीछे अनबॉक्स किए हुए, बट इसमें अपने को कॉर्डुरॉय टाइप का फील मिल जाता है, टुचुक टुचुक वाले बटन मिलते हैं, ठीक है। और हमने इसको मंगाया होगा आई थिंक एम साइज में हमने इसको मंगाया है, मीडियम है, ठीक है। पीछे की तरफ से आप देख लो कुछ इस तरीके से अपने को देखने को मिल रहा है। अब इसकी लेंथ थोड़ा सा मेरे को यूजुअल से बड़ा दिख रहा है, और नीचे स्टाइल देखो वो एप्पल कट नहीं है, नॉर्मल जो हमारे स्क्वायर कट ये होता है लंबा वाला डिजाइन वही है। यहाँ पर भी स्लीव्स पर भी आप देख सकते हैं, स्लीव्स भी उसी तरीके के हैं और बटन भी वही वाले अपने को मिलते हैं। तो चलिए फटाक से हमने इसकी साइड चार्ट की मेजरमेंट ले लेते हैं। तो इसका अपने को चेस्ट मिल जा रहा है तो 42 अपने को मिल जा रहा है, मेरे में अच्छा आएगा 42 ही मैं पहन सकता हूँ 42 तक। आपको कौन सा आएगा मैं आपको वीडियो में आगे बता के जाऊँगा। यहाँ पे 18 इंचज का शोल्डर मिल जाता है, और लेंथ की बात करें तो लेंथ अपने को 28 इंच का लेंथ मिल जा रहा है, जैसे अच्छी बात है। दो पैकेट यहाँ पर प्रोवाइडेड है, सेम बटन मिल रहा है, मटेरियल सही है। अगर आप शौकीन होंगे ना कॉर्डुरॉय कपड़े के तो ज़रूर जाइएगा। अगर आपको एक कन्फ्यूजन होगा ना किसको हम लोग समर में पहन पाएंगे कि नहीं, तो वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ, तब वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो गाइस आई होप आपने देख लिया उस वाले पार्ट को ना। अब आ जाते हैं इसके फिट के ऊपर कि मेरे में ये फिट कैसा। अगर आप रेगुलर डील्स, डिस्काउंट, फ्लैश डील और लू डील में इंटरेस्ट रहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जहां पे मिंत्रा, अमेजन, अजियो, फ्लिपकार्ट से रिलेटेड जो बेहतर डील्स निकलते हैं, अच्छे जो डिस्काउंट में मिलते हैं मैं वहां पे पब्लिश करता रहता हूं। जैसे आप देख सकते हैं मिंत्रा पे रेड टेप का ये वाला जूता 1089 रुपए का है, लेकिन जब इसकी 809 रुपए प्राइस थी तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल में इसको डाल दिया था, जहां पे काफी सारे लोगों ने इसको परचेस किया और काफी हैप्पी भी है। तो आप भी अपडेटेड डील्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक आपको मिल जाएगा बायो में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप में फिट कैसा दिखने वाला है, तो अगर मेरे में फिट की बात करें ना, लेंथ परफेक्ट है, ओल्ड स्कूल टाइप डिजाइन अपने को मिल जाता है, स्लीव्स थोड़े से शॉर्टर है, चेस्ट परफेक्ट है, शोल्डर में कट टू कट फिट है, टेक्सचरस फील है अंदर की तरफ, मतलब टेक्सचर अंदर की तरफ फील है, रीजेस अपने को ऊपर के मिल जाते हैं, उतना अनकंफर्टेबल नहीं है जितना ये दिखता है, काफ़ी क्लासी और रीच फील करते हैं, और फैब्रिक जो है उतना स्ट्रेचेबल नहीं है। इस टाइप के जो कपड़े होते हैं ना वो पॉलिएस्टर मटेरियल के ही बनते हैं, वेलवेट टाइप का अपने को फील मिलता है इसमें, ठीक है। तो ये ना अगर आप कोल्डर समर के लिए लोगे काफ़ी बढ़िया रहेगा, या अगर शादी पार्टी में आपको जाना है इवनिंग के टाइम में वहाँ पर भी आप इसको पहन सकते हैं। अगर आपको आपके फिट की बात करें ना, तो अगर आप मेरे बॉडी टोर्सो के हिसाब से 38 आपका चेस्ट है, हाइट 5.8 इंचेज का है, 72-73 के आसपास आपका वेट है ना, तो आप इसका ना एम साइज उठा सकते हैं, आपको परफेक्ट फिट आएगा। प्राइस की बात करें तो गाइस स्नीज की तरफ से ना तो प्राइस इसकी 1400 के आसपास है, लेकिन यकीन मानो कि अगर आप डेनिम जैकेट लेने जाओगे ना श्वेट टाइप का मटेरियल या इस टाइप का कुछ मटेरियल में ना, तो आपको 1700-1800 के आसपास मिलेगा, लेकिन ये वाला जैकेट ना आपका एक सेट जैकेट का भी काम कर देगा, और आपका जो डेनिम जैकेट है उसकी जगह पर भी आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। कलर ओलिव है तो स्टाइलिंग में काफ़ी ईजी हो जाएगा, आप इसको ब्लैक कलर की जीन्स के साथ एक नंबर में स्टाइल कर सकते हैं, दूसरे नंबर में आप चाहे तो थोड़ा सा वाइड लेग नेवी टाइप का अगर कपड़ा है आपके पास उसके साथ कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपके पास
कोड्रोए पैंट्स है तो उनके साथ तो पूछना ही नहीं भाई, कोड्रोए ऊपर नीचे करके आप काफी कंफर्टेबल फील कर लेंगे। हमने ना स्नीज का एक कोड्रोए पैंट नेवी ब्लू कलर में रिव्यू किया है, वो काफी कंफर्टेबल है। ये जितना अनकंफर्टेबल दिखता है उतना अनकंफर्टेबल है नहीं, मॉर्निंग में और इवनिंग में पहनने के लिए बेस्ट है। आप इसको रख सकते हैं अपने एक वार्डरोब में जहाँ पे थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप ओल्ड मनी एस्थेटिक, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास उस टाइप के कपड़े हो तो ये वाला शर्ट ना आपके उस वाले जो डिमांड को ना फुलफिल कर देगा। स्टाइल आप अच्छे से करो, अगर स्टाइलिंग में थोड़ा भी इशू है या कुछ मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे आइए, हमने वहाँ स्टाइलिंग की वीडियो डालने शुरू कर दी, वहाँ पर जाइए, कुछ सजेशन दीजिए, कुछ कमेंट करिए। और यहाँ पे अगर आपको कौन सा साइज फिट आएगा उसको लेके कोई भी कंफ्यूजन है ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर साइज लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए ना परफेक्ट जो साइज है वो रिकमेंड कर दूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हैं ना तो लाइक मार के ही जाइएगा, अपना दोस्त जो है उसको जो शेयर कर दीजिए, उसको भी थोड़ा हेल्प हो पाए और मुझे भी थोड़ी हेल्प हो जाए, मैं वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाऊं। तो गाइस आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नीचे कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रान, अलविदा, मसलमा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट आर माय लवली फ्रेंड्स।